चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फीन, फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। चलिए शुरू करते हैं CV1 डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। डाई नाइट्रोजन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एपरेटस होता है। सबसे पहले एयर अंदर जाती है, फिर कंप्रेसर की मदद से एयर को हीट किया जाता है। उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से गर्म एयर को ठंडा किया जाता है। ठंडी होने के कारण एयर एक्सपेंड होती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद लिक्विड एयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में एंटर करती है, जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद जब टेम्परेचर्स में चेंज करते हैं, तब 77.2 केल्विन पर नाइट्रोजन चैम्बर से बाहर निकल जाती है और जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी चैम्बर से डिफरेंट टेम्परेचर पर बाहर निकलती है, जो कि 90 केल्विन होता है। N2 को लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। एक्वस अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करने पर हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर और NaCl भी मिलता है। इस प्रोसेस में थोड़े अमाउंट में NO एंड HNO3 भी बनती हैं एज इम्प्यूरिटीज, जिनको हम रिमूव कर सकते हैं एक ऐसे H2SO4 सॉल्यूशन से जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मिला हुआ होता है। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम लेबोरेटरीज में N2 को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डायरेक्टली अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके N2 गैस प्राप्त कर सकते हैं। इस रिएक्शन में वाटर और Cr2O3 भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बेरियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड को भी डीकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पर बेरियम नाइट्राइड को डीकम्पोज किया है, जिससे हमें बेरियम और नाइट्रोजन गैस मिल रही है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, ये वाला मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा प्योर क्वालिटी का नाइट्रोजन गैस चाहिए होता है। आइए अब N2 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। N2 एक कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होती है। N2 एटम के दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, N14 एंड N15। N14 में 7 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि N15 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। आइए अब N2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। N2 वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होती है, क्योंकि N2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। N2 का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होते हैं। चलिए अब N2 की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। N2 एक बहुत ही अनरिएक्टिव गैस होती है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, N2 की रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। सबसे पहले N2 मेटल के साथ कंबाइन होकर मेटल नाइट्राइड्स बनाता है। जैसा कि लिथियम को N2 के साथ हीट करने पर Li3N बनता है, जिसे हम लिथियम नाइट्राइड कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम को भी हम नाइट्रोजन के साथ गर्म करें तो Mg3N2 बनता है, बिकॉज हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। N2 3S2 के साथ कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। ये रिएक्शन 773 केल्विन पर होती है और इस रिएक्शन की फॉर्मेशन एंथैल्पी -46.1 किलो जूल पर मोल होती है। N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है। जैसा कि N2 और ऑक्सीजन मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO बनाते हैं। ये रिएक्शन 2000 केल्विन पर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन तो आप सब देख चुके हैं,
चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन के यूजेस की बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले आता है लिक्विड नाइट्रोजन। क्या आप जानते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है? इसका मतलब ये है कि लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ चीज़ों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन को बड़े पैमाने पर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैबर्स प्रोसेस तो आप सभी जानते हैं। नाइट्रोजन का यूज़ बहुत बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट कराकर अमोनिया बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का यूज़ बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाने में किया जाता है, जैसे कि साइनोजन। आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाई एन टू इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, जिसका मतलब ये हुआ कि एन टू रूम टेम्परेचर पर बहुत ही कम रिएक्टिव क्यों होती है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सोच लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम एन टू मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp। अब अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उस ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 pi बॉन्ड होते हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स वहाँ पर मौजूद हों किसी भी 2 एटम्स के बीच में, तो उससे क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा रिलेशन है कि अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। अब अगर हम N2 का केस लें तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होती है 109.8 पिकोमीटर, जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 946 किलोजूल पर मोल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि N2 के लिए बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, जबकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से N2 बहुत कम क्रियाशील होती है। हाँ, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर को बढ़ाकर टेम्परेचर बहुत हाई कर दें तब हो सकता है कि N2 के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं और N2 की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाए।